अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। दोस्तों कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो छोटी सी एक डिटेल के ऊपर बना रहा हूँ, शॉर्ट टर्म रेंटल्स के ऊपर, कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स क्या होती हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल्स रेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है कि एक तो होती हैं जो लॉन्ग टर्म रेंटल्स है कि आप एक मकान जो है वो एक मंथ, दो मंथ या तीन मंथ के लिए रेंट पे देते हैं, ठीक है। दूसरा शॉर्ट टर्म रेंटल्स होती है जैसे होटल्स का हिसाब होता है कि एक दिन के लिए दे रहे हैं, वन नाइट, टू नाइट्स या थ्री नाइट्स के हिसाब से देते हैं। तो Airbnb पे ये काम ज़्यादा चलता है USA के अंदर। Airbnb वेबसाइट है जहाँ लोग अपना घर लिस्ट करते हैं कि हमारे पास इतने रूम्स हैं और इसका ये प्राइस है, वन बेडरूम की ये प्राइस है, टू बेडरूम की ये प्राइस है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कि बंदा एक दिन के लिए लेता है, दो दिन के लिए रहता है, वेकेशन पे जा रहा है, किसी जगह पे स्टे करना है, कहीं काम गया, तो वहाँ पे उसको ये डिटेल्स अवेलेबल हो जाती हैं। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म रेंटल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेंटल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिया कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स क्या चीज़ होती है। इसके बाद अगली वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर कि इसका डाटा किस तरह से निकालते हैं, क्लाइंट क्या क्या चीज़ इसकी मांगते हैं, कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में बनाएंगे। तो मिलते हैं ज़रा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।